हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक अपना नया हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ जो कि किचन और होम डेकोर के रिलेटेड है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी मैं आइटम्स आपको दिखाऊंगी उसके सारे जो लिंक्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं इनकेस आपको परचेज करना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना हॉल वीडियो। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये ब्यूटीफुल से सुंदर से प्लेसमैट्स, डाइनिंग टेबल प्लेसमैट्स। ये राउंड शेप में है और इसमें बहुत सुंदर सा इसमें कट वर्क कर रखा है इन्होंने, जाली जाली जैसा, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कॉपर कलर में है, इसमें और भी कलर्स अवेलेबल है, गोल्डन है, सिल्वर है, और जो इसका मटेरियल है वो है पीवीसी मटेरियल। ये सेट ऑफ सिक्स में आते हैं। अभी जैसे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है तो इस टाइप के जो अगर प्लेसमैट्स अगर आप प्लेस करते हो तो बहुत अच्छा लुक देता है अपने डाइनिंग एरिया को। और जो इसका प्राइस मैंने पे किया था वो है 600 फॉर सिक्स, जो कि मुझे क्वालिटी और डिज़ाइन के हिसाब से सही लगा मुझे प्राइस इसका। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है मेरी ये केटल। ये ग्लास की बनी हुई है, ये ट्रियो ब्रांड का है ये, और जो कैपेसिटी इसकी 1 लीटर है। और ये इसके ऊपर जो कैप है वो प्लास्टिक का है, आप इजीली इसको खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और इसका हैंडल है वो भी प्लास्टिक का है। सबसे बड़ी बात है आप इसको गैस स्टोव पे यूज़ कर सकते हैं, चाय बनाने के लिए, दूध उबालने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, या फ्रिज में आप इसको दूध मिल्क स्टोर करके इसमें इजीली रख सकते हैं फ्रिज में। और जो कैपेसिटी इसकी 1 लीटर है, मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका शेप। इसमें 2-3 शेप्स आते हैं और साइजेस भी अलग अलग अवेलेबल है इसके अंदर, बहुत से ब्रांड्स में अवेलेबल है। मेरा जो ब्रांड है वो है ट्रियो। तो ये बहुत ही सुंदर सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इसका प्राइस मैंने इसको पे किया था वो था 375, लेकिन अब जो इसकी प्राइस है वो 414 हो गई है। ये भी मैंने अमेजोन से ही परचेज किया था। प्राइसेस इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा केटल है ये। जो थर्ड परचेज है वो है मेरी ये बास्केट। ये वायर की बनी हुई है, बहुत ही प्यारी सी बास्केट है ये। इसका कलर भी बहुत मुझे अच्छा लगा। इसमें 2-3 कलर्स अवेलेबल थे, येलो भी था, लाइट क्रीम भी था, बट मुझे ये कलर बहुत अट्रैक्टिव लगा। ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है, आप इसको फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या जैसे मैं अपने टीवी कैबिनेट पर इसको रिमोट डाल के रखती हूँ तो बहुत ही अच्छा लुक देता है ये, दिखने में बहुत ही एलिगेंट है। और इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है, इसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स आराम से 7-8 फ्रूट्स ईजिली स्टोर कर सकते हैं। और बहुत क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत स्टर्डी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हल्की है, वेट में भी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने मार्केट 99 से परचेज़ की थी। जो इसका प्राइस है वो है 350। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज। उसके बाद ये है ये टी लाइट कैंडल्स। जैसे कि फेस्टिव सीजन आ रहे हैं तो हमें खूब सारे टी लाइट होल्डर में हम के लिए हमें टी लाइट कैंडल्स चाहिए होती है। तो मैंने ये होम सेंटर से परचेज़ की थी। ये अनसेंटेड कैंडल्स है, सेट ऑफ 50 में। और जो मैंने इसका प्राइस पे किया है वो है 199। ये आपको कहीं भी ऑनलाइन साइट पे अवेलेबल हो जाएगी, चाहे अमेजोन, चाहे फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। सेंटेड भी मिल जाती है, अनसेंटेड भी मिल जाती है। तो ये है मेरा नेक्स्ट परचेज। उसके बाद जो नेक्स्ट परचेज है ये है आइकिया का। मैंने परचेज किया है प्लास्टिक बैग डिस्पेंसर। आप देखिए इसके अंदर इसका दे रखा आपको किस तरह से इसको लगाना है। मैं आपको इसको एक्चुअल जो मैंने लगा रखा है वो आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए मैंने ऐसे इसको एक जो डोर पे है हैंग कर रखा है। इसमें आप एक स्टिक भी कर सकते हैं, या अब मैंने इसके जैसे इसमें नेल्स लगा के ये लगा के इसको रखा है।
तो इसमें काफ़ी अराउंड 20 से 25 पॉलीथीन स्टोर हो सकती है, इजीली स्टोर हो सकती है। और बहुत ही देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये सेट ऑफ टू में आती है, ये सेट ऑफ टू में आती है। और जो इसका प्राइस था वो 375 फॉर 2 पीसेस था, जो कि मुझे अच्छा लगा इसका प्राइस भी, इसकी क्वालिटी के हिसाब से। और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा साइज़ है। आप इजीली आप इसमें 25 to 30 पीसेस आप इसके अंदर पॉलीथिन जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं आप इसके अंदर स्टोर इजीली कर सकते हैं। तो ये था मेरा नेक्स्ट परचेज। अब जो मेरा नेक्स्ट परचेज वो है ये ब्यूटीफुल से फ्लावर्स, ये देखिए ये फ्लावर्स मैंने अमेजोन से परचेज किए थे। ये दो बंच है, एक पिंक में और एक वाइट में। जो इसका मैंने प्राइस पे किया था उनका 350 फॉर ईच बंच। काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। तो ये था मेरा लास्ट परचेज। जो भी लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो इसी इसी से आपको समाप्त करती हूँ वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।